गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग कल बहुत अच्छे से एलिवेटरी रोड ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीख गए। वीडियो में बच्चों एक और फायदा हो रहा है कि आप उसी क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। वैसे तो एक बताया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया, तब भी नहीं समझ में आया तो फिर और बताए। अब आप एक को बार बार देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो वो इतनी बार रिपीट हो रहा है कि फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। टारगेट वहां फिक्स था कल कि फर्स्ट कॉलम में 100 बनाना है तो पहले 1 बनाना था, सेकंड कॉलम में पहले मिडिल में 0 बनाना है, वो 1 बनाना है और बाकी दोनों 0 बनाने थे। तो टारगेट फिक्स था मिडिल में 1 बनाने का और फिर उसके बाद दोनों 0 बनाने का, फिर थर्ड कॉलम में लास्ट में 1 बनाने का और फिर बाकी दोनों 0 बनाने का, ये टारगेट फिक्स थे हमारे। लेकिन शर्त एक थी कि पिछले कॉलम बिगड़ने नहीं चाहिए थे और लेफ्ट साइड में ऐसा होने के बाद जो राइट साइड में वैल्यू 1 के आ जाती रिएक्शनों के बाद, वही थी बच्चों ए का इनवर्स। क्लियर? आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं और मेरा यकीन रहता है कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, मेरा पूरा यकीन रहता है हर बार, और आता भी है और ये बहुत इजी भी है, ये उतना डिटरमिनेंट की तरह से कठिन नहीं है। डिटरमिनेंट की मेरे पास बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों की, मैं बहुत सारी लिख के रखी हुई है, लगातार ही लगाता जा रहा हूं मैं उसमें, आप जितनी पूछेंगे उतनी बताऊंगा, ठीक है? और सबकी थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूं फिर रोकते चलता हूं कि कोई नाराज ना हो जाए। आपकी नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए कि सर हमारी नहीं बता रहे हैं, ये की ही सब बता रहे हैं, इसलिए कुछ की फिर रोकी फिर कुछ की बताई, तो बच्चों बुरा मत मानिएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन को सफल बनाने की, पढ़ाई को भी सफल बनाने की। लॉकडाउन को सफल बनाइए और पढ़ाई को भी सफल बनाइए और कोरोना को हराइए और जल्दी से मिलिए। पता नहीं क्या सही बोला क्या गलत बोला, मतलब जल्दी से स्कूलों में अब हम लोग मिले, मतलब ये ऐसा है। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो बढ़िया से पढ़ें, ठीक है? यहां पर ये है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है और 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 है, इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग 10th में होते हैं तो बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 10th में अगर होते हैं तो बहुत इजी से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ आएगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। और ये 2 इक्वेशन है, अगर एक्स वाई जेड के टर्म में होंगी तो हमारे पास 3 इक्वेशन होंगी बच्चों, सबको पता है, तभी वो सॉल्व हो पाएंगी। तो पहले तो मैं ये मेथड समझा देता हूं कि आखिर मैट्रिक्स मेथड से एक्स और वाई कैसे निकालना है, सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, पहले वो समझिए। सॉल्व का मीनिंग होता है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करनी है। मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करने के लिए आपको मैंने 2x2 में समझा दे रहा हूं, बाकी आप उसके बाद थोड़ा समझेंगे और उसमें बहुत कुछ मुझे बताना है, वो बताते रहेंगे। सबसे पहले अगर 2x2 किया तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें 2x2 तरीके से एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, और एक कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक 1 कॉलम होता है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में दिखा दीजिए और राइट साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है? अब इसमें आप 2, 3, 4, 7 जो कोफिशिएंट है वो यहां लगा दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। उसके बाद बच्चों कॉलम मैट्रिक्स में एक्स और वाई लगा दीजिए और राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो कॉलम मैट्रिक्स में राइट साइड में लगा दीजिए, और इसे a लिख दीजिए, इसे x लिख दीजिए, कैपिटल x इसको जिसमें x और y है, इसी x और y की वैल्यू निकालनी है और इसे b लिख दीजिए, और ये x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। b a इनवर्स लिखेंगे गलत हो जाएगा, हम लोग बाकायदा सब रूल से चल रहे हैं। रूल क्या है वो रूल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कहीं पर। देखिए a x इक्वल टू बच्चों b था, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। बच्चों ये और ये क्या हो गया, आई टू
एक्स और ये हो गया ए इनवर्स बी, और आई टू की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो एक्स आ जाएगा। क्या अगर आप प्री मल्टीप्लाई बाई इनवर्स वन बोथ साइड, सब चीज रूल से होती है, ऐसे कुछ ही होता कि ये साहब ए इनवर्स पहले रहेगा तो मैं कह दूं नहीं साहब पहले रहेगा, बाद में क्यों नहीं रहेगा, इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं। जवाब साहब है वही वाली बात है, इस समय आप सामने बैठे होते तब बड़ा दूसरी तरीके से होता है बात, लेकिन हम बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि आप सामने ही बैठे हुए हैं, थोड़ा मुस्कुराइए आप भी और थोड़ा मुस्कुराए हम भी, बात तो कब मजा आए। लंबी लंबी वीडियो देखने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, बता रहे हैं लोग कि बहुत लंबी वीडियो थी। अरे लंबी वीडियो थी, फिल्म भी तो 3 घंटे की होती है, तब तो आप पलक भी नहीं झपकाते, तो वीडियो लंबी थी तो क्या हो गया, 20 मिनट की वीडियो थी, 22 मिनट की वीडियो थी, कौन सी लंबी हो गई वीडियो कि आप देख नहीं पा रहे। थोड़ा मुस्कुराइए आप, देखिए अभी मुस्कुराइए। ए इनवर्स ए, मैंने कहा ए इनवर्स ए आई टू होता है, आई टू एक्स कितना हो जाएगा एक्स, और ए इनवर्स बी, इसीलिए ए इनवर्स बच्चों बाद में नहीं आता है। अब हम लोग बस ए इनवर्स निकाल के बी में मल्टीप्लाई कर दें और कुछ नहीं करना है। ए इनवर्स निकालने के लिए ए का कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर कैसे निकलता है, सी वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया 7 आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दिया 4 आया, इसमें माइनस लगा दिया, देखिए कोफैक्टर निकालना सीख गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आ गया, क्लियर बच्चों? ठीक, अब आप इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, और एडजॉइंट मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया, जैसे पहले इस रो को लिखते फिर ट्रांसपोज करते, मैंने इस रो को कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो को कॉलम में लिख दिया, और कायदे में मुझे डिटरमेंट ए पहले निकाल लेना चाहिए था, तो मैंने डिटरमेंट ए निकाल लिया। डिटरमेंट ए क्या हो गया बच्चों, 7 2 14 4 3 12, डिटरमेंट ए आ गया, क्लियर? अब हमारे पास डिटरमेंट ए आ जाने के बाद क्या है, डिटरमेंट ए, ए इनवर्स की वैल्यू है 1 upon determinant A into adjoint A, और ये हो जाएगा 1 upon 2 7 -3 -4 2, ये हो गया, ये इनवर्स आ गया। और फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट उधर मैंने डाली, देख लीजिए फर्स्ट ये है, अगर नहीं डाली तो ये है फर्स्ट, ये है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसमें आप बस आप ए इनवर्स की वैल्यू लगा दीजिए और ए इनवर्स हो गया 7 -3 -4 2, और बी की वैल्यू हो गई बच्चों 4 और 5 थी। ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई बुक बुक में नहीं, अभी तो मैं मेथड समझा रहा हूं। और फिर बच्चों हमारे पास ये हो गया, x की वैल्यू हो गई 1/2, x की वैल्यू 1/2 हो गई, 7 4 28 3 5 15 -16 +10, ये आ गया आपके पास 7 4 28 -15 -4 4 16 5 2 10, और ये हो गया x और ये हो गया y, fx 1/2, और ये हो गया आपका 13 और ये हो गया -6 बच्चों, क्लियर? 13 और -6, इसके बाद x और y, x और y, ये हो गया x और ये हो गया y, और ये हो गया 13/2 -6/2, तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 13/2 -6/2, 13/2 -6/2, ये वैल्यू हो गई, सो x इज इक्वल टू हो गया 13/2 और y इज इक्वल टू हो गया -6/2, यानी कि -3। इसी को सॉल्व भाई मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। क्वेश्चन वहां लिखा था पूरा नहीं, सॉल्व करके लिखा था, समझ लीजिए सॉल्व भाई मैट्रिक्स मेथड है, यानी ये जो इक्वेशंस हैं इसको x और y की वैल्यू निकालनी है और वो भी मैट्रिक्स मेथड से निकालनी है। लेकिन बच्चों इसमें भी कुछ जो हम लोग 10th में पढ़े थे उसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं। 10th में जो पढ़ा था वो थोड़ा सा बिल्कुल सीधा सीधा था, और 10th वाला जो मेथड है वो बस सीधे x और y निकल जाता था, यहां पर कुछ और आ रहा है, देखिए सामने बोर्ड पर क्या आ रहा। हाँ जी, तो हम लोग 10th में जो कर रहे थे ये बात हो रही थी, 10th में ये था कि सिर्फ ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना था और कुछ नहीं सॉल्व करना था। लेकिन अब देखिए हमारे सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, बहुत बढ़िया, 2x plus
4x + 7y = 5 टेंथ में आ गए, इसे सॉल्व करना है। आप टेंथ में सॉल्व करते हैं तो जो मैट्रिक्स मेथड से आंसर आया वही अब आता, या जो टेंथ में आया था वही मैट्रिक्स मेथड से आया। मैंने क्या बोला कि 2x + 3y = 4, 4x + 7y = 5 टेंथ के तरीके से करें या मैट्रिक्स मेथड से करें, एक्स और वाई आंसर यही आएगा, बात खत्म, ये आएगा एक्स और वाई। क्लियर सबको? अब हमने इसे मैट्रिक्स मेथड से करा, ये आंसर आया x 13/2 और y -3। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है 2x + 3y = 4, 4x + 6y = 8, अगर आप इसे टेंथ में करेंगे तब फिर आप इसको टेंथ में नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। अब वहां तो आप अटक जाएंगे टेंथ में, यहां पर भी अटक जाएंगे क्योंकि यहां डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए 2, 6, 12, 4, 3, 12, उसके लिए हमें यह करना होगा कि ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा, इसे बोला जाएगा ये यूनिक सॉल्यूशन देता है और कहा जाएगा फर्स्ट वाले को सिस्टम इज, मैं धीरे धीरे भूमिका बना रहा हूं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है एक सॉल्यूशन होगा, देखिए एक्स और वाई का नहीं मिलेगा और कोई वैल्यू, और कंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। मैंने इंग्लिश में बोला कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये सिस्टम ऐसा है। तो ये तो कोई बात, इस पर तो कोई चर्चा होनी नहीं है, चर्चा होनी है बच्चों इस पर। अब टेंथ में इसे आप छोड़ देते, कहते ये सब कैसे होगा, लेकिन यहां देखिए मैं आपको अब बता रहा हूं, आप इसमें लेट कर लीजिए, ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। एक्स इज इक्वल टू सारे रियल नंबर, एक्स इज इक्वल टू सारे रियल नंबर। अब आप सारे रियल नंबर में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू लैम्डा लेट कर लें और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल हो जाए, कुछ भी ऐसा कुछ, वो ज्यादा बुक पे नहीं जाना है कि बुक में क्या है, या k लेट कर लें। अब आप x जब लैम्डा लेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y = 4, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये हो जाएगा 4 - 2 लैम्डा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 लैम्डा / 3, तब इसका सलूशन होगा। देखिए x लैम्डा है, फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा लगाया तो y की वैल्यू निकाल ली, देखिए x की वैल्यू लैम्डा लगाइए 2 लैम्डा और y 3y की वैल्यू 4 - 2 लैम्डा लगाइए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 - 2 लैम्डा, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में लगाइए, y की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में लगाइए, x और y की वैल्यू लगा देने के बाद आप इज इक्वल टू 4 पाएंगे। ऐसे ही आप इसमें 4x, मैं यहां लिख के आपको दिखा दे रहा हूं, 4 लैम्डा और प्लस 6 × 4 - 2 λ / 3, y की वैल्यू लगा दीजिए 3 × 2 = 6, 4λ + 8 - 4λ और 4λ से 4λ cancel 8। आपने देखा ये जो x की वैल्यू हमने लेट करी है लैम्डा, जो रियल नंबर है उससे y जो निकाला लैम्डा के टर्म में, ये x और y फर्स्ट को तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसी से निकाला, ये सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सलूशन है, तो इसको बोला जाएगा। और आप ये कहेंगे सर आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, अरे भाई ये और ये क्वेश्चन तो सर एक ही है, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए एक ही है, लेकिन अब आया है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, हम क्या करें, आ जाएगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, अब क्या करें, तो उसका सोल्यूशन बच्चों ऐसे निकाला जाएगा। और मैट्रिक्स में कैसे सेट होगा ये सब मैटर, क्या फार्मूले लर्न करने हैं, वो सब आ रहे हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अभी आप चीज को समझिए पहले क्या है ये, तो यहां पर लिखा जाएगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। आप इसमें लैम्डा 2 लगा दीजिए दोनों जने और दोनों इक्वेशन को वो
सेटिस्फाई जरूर करेगा। लैम्डा थ्री लगा दीजिए एक्स और वाई में, वो दोनों इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा थ्री बाई टू लगा दीजिए, लैम्डा माइनस वन लगा दीजिए, बच्चों कुछ भी लगा दीजिए, लैम्डा यहां एक्स और यहां वाई की वैल्यू में वो इन दोनों इक्वेशन को जरूर और जरूर और जरूर सेटिस्फाई करेगा। लगा के देखते रहिए, घर पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट मींस होगा, सिस्टम को सॉल्व करा जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन क्यू लिखा हुआ है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। और आपने देखा जब मैंने इसमें सेकंड इक्वेशन में इसकी जो सेकंड इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई लगाया था तो एट आया था और यहां सेवन आ रहा है, इसका मतलब उसने इसको सेटिस्फाई नहीं करना। क्योंकि अगर मैं इसमें एक्स लैम्डा मान लू और वाई निकाल लू तो वो फर्स्ट को तो सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को नहीं करेगा। कहा जाएगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ये तो एक भूमिका, जो आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं जो लोग क्लास में मुझसे पढ़ते हैं कि मैं भूमिका पहले बनाता हूं, ये लोग कहते हैं ना सर वो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं तो वो भूमिका बनाने में जो थोड़ा समय लगता है, भूमिका कि आखिर है क्या, अब ये समझदार के लिए बात होती है कि वो कैसे समझना चाहता है, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन करना चाहता है या पहले भूमिका से उठकर फिर क्वेश्चन तक जाना चाहता है। तो पहला जो मैंने सॉल्व करके भी क्लास में बच्चे ये कहते हैं सर यार सर तो बहुत ही बोलते रहते हैं, अरे मैथ में बोलने का तो सारा काम है, रुकने का तो काम ही नहीं टीचर का, बैठने का तो काम ही नहीं टीचर का, मैथ बोलने का है काम है साहब, बोलते रहिए जितना आप समझा सकते हैं उतना बोलिए। अब इसमें क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाले में चलिए फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मींस एक सोल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट मींस सोल्यूशन इसका मिल सकता है। सेकेंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मिल सकता है सिस्टम का सोल्यूशन लेकिन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन यानी लैम्डा आर है, बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, लैम्डा लगाते जाइए एक्स और वाई निकालते जाइए वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये इनकंसिस्टेंट है थर्ड वाला, ये इनकंसिस्टेंट है एंड हैज नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन नहीं प्राप्त हो सकता। ये मैंने आपको भूमिका बनाई, यकीन मानिए अगर आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे बिल्कुल सब समझ में आएगा, और अगर आप नहीं ही समझना चाहते हैं तब बात बिल्कुल डिफरेंट है। इतनी कोशिशों के बाद ना समझ में आए ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, जो भी है करिए काम जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूं। जैसे इस समय लिखा है यहां पर एक स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, इस समय मैं हटाऊंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए सर ने क्या समझाने की कोशिश की थी। आप तो हाईटेक लोग हैं, नए जमाने के, सब के पास बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।